वो क्या किया, जो 5 रुपए अनुदान पर लीटर आप मिल्क के ऊपर दूध के ऊपर दे रहे थे वो बंद कर दिया, उसकी जगह क्या चालू कर दिया, गोपालन स्कीम में 1 लाख रुपए का इनने क्रेडिट कार्ड शुरू करा है, गोपालन क्रेडिट कार्ड। गोपालन क्रेडिट कार्ड पे आपको सब्सिडी कितनी देनी पड़ेगी, हर साल 4,000 रुपए, और अनुदान 5 रुपए लीटर दे रहे थे। यदि आप इसको कंपेयर करोगे तो ये 1/10 भी नहीं है। अनुदान एक फार्मर को कम से कम 30,000 से 40,000 रुपए साल मिलता था, इसमें सिर्फ 4,000 रुपए मिलेगा। दूसरा, उनने एक बड़ी टिप्पणी करी कि हमारा राज्य सिर्फ पंजाब से ऊपर है। मैं उनको बताना चाहूँगा, हमारा राज्य पंजाब से नहीं, मध्य प्रदेश के बराबर है। फिस्कल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ GSDP हम हिमाचल से कम है, हम गोवा से कम है, हम पंजाब से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से कम है। और हमने जो भी लोन लिया है वो FRBM लिमिट के तहत हमने लोन लिया, हमने कोई ऐसा लोन नहीं लिया है जो FRBM के लिमिट के अंदर नहीं हो, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और दूसरा, विकलांगों की जो सबसे बड़ी स्कीम थी इस सरकार की, विकलांगों को हमने स्कूटी देने का काम शुरू करा था वो बंद कर दिया। चिरंजीवी योजना इनकी आपकी करीब करीब बंद है, अब आपको सिर्फ 5 लाख का इलाज मिलेगा। उस पर जो डेथ बेनिफिट था, क्योंकि चिरंजीवी आप बंद करोगे तो डेथ बेनिफिट अपने आप आपको बंद हो जाएगा। तो ये इस सरकार की नीति है, बोलती कुछ है करती कुछ है, मेरे हिसाब से बिल्कुल दिशाहीन बजट है। इसमें कुछ नहीं है, इनने क्या कहा 2,000 करोड़ रुपए हम इंफ्रा पे खर्च करेंगे। भाई इंफ्रा पे तो हम भी वही खर्च कर रहे थे जो आप खर्च कर रहे थे, फार्म पॉन्ड्स वगैरह पे, ड्रिप इरिगेशन पे, फुहारे पद्धति पे जो आप खर्च कर रहे थे उतना ही आपने बजट दिया, देयर इज नथिंग न्यू इन इट। और जो आपने कहा कि हम बीज फ्री में देंगे, तो बीज फ्री तो हम भी हर साल दे रहे थे, आप ही थोड़ी अकेला इस चीज को आपने कोई नई चीज करी, किसानों को बीज तो हम भी फ्री में दे रहे थे और वो आप भी दे रहे हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस बजट में आपको नई दिखी हो, जिससे किसी को आपको फायदा हो। सिर्फ एक चीज जो अच्छी इसमें दिखी वो चीज ये थी कि इनने जो कहा कि टूरिज्म में गाइड्स वगैरह को हम स्किल का डेवलपमेंट करेंगे, जिससे 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वो अभी अनुमान है। आज इनने कहा 70,000 को एम्प्लॉयमेंट करेंगे, तो वो तो रीट की भर्तियां भी चालू हैं। अभी हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं 24,000, उनकी भर्तियां चालू हैं। जो हमारे जिनके रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, नर्सिंग स्टाफ वगैरह, फार्मासिस्ट वगैरह, जिनके रिजल्ट आप डिक्लेयर कर चुके हो, उनकी भर्तियां बाकी हैं। तो 70,000 का तो आंकड़ा यही फिट हो जाता है, कोई नई भर्ती तो है ही नहीं। जो हमारी सरकार की भर्तियां जो पेंडिंग में पड़ी हुई थी, सिर्फ वही भर्तियां करी जा रही हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब इसको देखिएगा किस तरीके से सिर्फ एक फ्लावरी भाषण देके कोई मन नहीं जीत सकता। आदमियों को, सरकार को जो नीचे बेनिफिट देना है वो इस वोट ऑन अकाउंट में कुछ भी नहीं।